अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाहद सलीम है और हम आज डिस्कस करेंगे सीसीटीवी केबल्स के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने सीसीटीवी केबल्स की 5 फॉर्म्स हमने बताई थी। नंबर 1 थी हमारी आरसीए केबल, 2 थी क्वैक्स केबल, 3 थी सीसीटीवी 3+1 केबल और 4 थी यूटीपी केबल एंड 5th थी हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बखूबी आरसीए केबल के बारे में जानने की कोशिश की थी, आपको बताया था इस हवाले से उसका ओरिजिन क्या था, ये भी बताया था कि 1940 से वो काम कर रहे हैं और वो नॉर्मली रेडियोज़ के लिए इस्तेमाल होती थी, फिर डेक्स में आई, फिर VCDs VCPs में आई एंड फाइनली ये ऑडियो और वीडियो के लिए भी यूज़ होने लग पड़ी। उसके बाद बड़ी फेमस केबल है हमारी क्वैक्सियल केबल, जिसको क्वैक्स केबल कहा जाता है, नंबर 2 पे, और इसकी कल हमने फॉर्म डिस्कस की थी गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इसकी, और पांच किस्म की इसकी फॉर्म्स थी कि RJ6, 59, 58, 7 और 11। और हमने एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सीसीटीवी में, दैट इज़ इफेक्टिव डिस्टेंस, कि हमने ये देखा था कि हमारी हर तार का जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, वो अपनी तस्वीर एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक कितनी लेंथ तक पहुँचा सकती है। आज हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें, वो अगला पॉइंट है हमारा सीसीटीवी 3+1 केबल का, आज हम उसको शेयर करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है सीसीटीवी 3+1 केबल। तो सीसीटीवी 3+1 केबल, 3+1 जैसा कि आप नाम से ही जाहिर है, इसमें 3 केबल्स होती हैं, इसमें 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, ठीक हो गया जी, और इंक्लूडिंग इंक्लूसिव 1 जो होता है वो शील्ड होता है, एक पेयर जो होता है वो शील्ड का होता है, तो टोटल हमारे पास 6 वायर्स होती हैं। ये वायर बड़ी कॉमन है और आजकल बड़ी कॉमनली यूज़ हो रही है। इसकी वजह ये है कि ये इसका सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर ऑडियो और वीडियो सिग्नल प्लस आपकी पावर का सिग्नल, जिसे आप DC सिग्नल भी कह सकते हैं, वो भी आप एक ही गो में, एक ही तार में फ्लो कर देते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा पावर केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा ऑडियो के लिए केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप यही केबल के थ्रू अपने कैमरे के तीनों सिग्नल, यानी उसका वीडियो, उसकी ऑडियो और उसकी पावर एक ही केबल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से, इस वजह से ये केबल बहुत ज़्यादा कामयाब है, बहुत फेमस है और इजीली अवेलेबल है। जहाँ पर भी CCTV कैमराज की बात की जाती है एनालॉग सिस्टम के हवाले से, तो मोस्टली इस केबल से काम लिया जाता है। मैं इसके फीचर आपको साथ बता दूँ थोड़े से। तो जनाब, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉमन है। इसमें PVC जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आप इसको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं और किसी भी जगह पे आप इजीली इसको टर्न कर सकते हैं। जबकि क्वैक्सियल केबल में हमें जो PVC था वो खासा हार्ड होता है और उसको मोड़ना आसान नहीं होता, और वो बाहर मतलब उस पर एक्सपोजर जो होता है वो बाहर का ज़्यादा होता है, इसलिए वो ओपन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उस हवाले से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि ये जो हमारी 3+1 CCTV केबल है, ये नॉर्मली इंडोर अंडर रूफ इस्तेमाल की जाती है और इसका PVC होता है फ्लेक्सिबल, प्लस इसमें स्ट्रेन वायर्स होती हैं। स्ट्रेन वायर्स में आपको पता है कि एक से ज़्यादा तारें होती हैं और वो भी फ्लेक्सिबल होती हैं, उन पर PVC चढ़ा होता है, और एक इनमें शील्ड वायर होती है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3+1 केबल जो है, इसमें 3 जो पेयर हैं वो दूसरे हैं जो स्ट्रेन वायर के हैं, और उसमें इंक्लूडेड है एक शील्ड वायर, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव डिस्टेंस है हमारे पास वो जनाब है अप टू 350 ft, 350 फुट तक ये अपने तीनों सिग्नल देती है, तीनों सिग्नल यानी ऑडियो, वीडियो एंड पावर, ठीक हो गया। तो इसलिए ये जो वायर है ये हमारी खासी कामयाब है। हमारी कामयाबी की जो मेन वजह है वो यही है कि हम एक ही गो में, एक ही तार के साथ ये तीनों चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो नॉर्मली
अगर आप एक छोटे एनवायरनमेंट में देखें, किसी स्कूल कॉलेज में देखें, किसी ऑफिस वगैरह में देखें, तो हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 350 या 500 के दरमियान ही होता है। रिकॉर्डर तक जो कैमरास की डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली इतना होता है। तो इसलिए ये तार, ये वायर जो 3+1 कहलाती है, ये कामयाब है काफ़ी। अच्छा, इसमें जो एक और मज़ीद आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि इसमें शील्ड वायर्स की तादाद, जो अच्छी वायर सीसीटीवी की आप लेते हैं, उसमें 48 होती है, 48 इसमें शील्ड वायर होती हैं। इसी तरह स्टेन वायर्स होती हैं, 11 से लेकर 17 तक होती हैं स्टेन वायर्स होती हैं, जो बेहतर वाली है। और ये आपको जनाब मार्केट से कॉपर में भी अवेलेबल है और सिल्वर में भी अवेलेबल है, ठीक है जी, जिसे आप चाइना कॉपर कहते हैं, जिसे आप चाइना कॉपर कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो मैं इसलिए इस वायर की ज़्यादा तफसील आपको बताना चाहूँगा, उसकी वजह ये है कि ये नॉर्मली ये तार बड़ी इजीली सीसीटीवी सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। नॉर्मली लोग इसी को पसंद करते हैं, इसमें सफाई और सिमेट्रिकल लुक ज़्यादा आती है। मिसाल के तौर पे आपने एक कैमरा किसी भी जगह पे लगाना है तो वहाँ पे आपको उसकी पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, उसके वीडियो सिग्नल की ज़रूरत होती है, तो दो तारें तो मस्ट हैं। लेकिन इनडोर में अगर आप दो वायर्स लेके जाएंगे किसी एक ही कैमरे के लिए और उसी जगह पे दूसरा कैमरा भी लगाना मकसूद होगा तो दो वायर्स उसके लिए भी जाएंगी, तो फाइनली आपको चार वायर्स इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो उसकी बजाय आप सिर्फ एक सिंगल वायर से ये काम कर सकते हैं, जिसमें आप ये तीनों रिसोर्स ऑडियो वीडियो एंड पावर दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी जनाब होगी सीसीटीवी 3 पेयर्स के बारे में कि इसका इफेक्टिव डिस्टेंस हमारा है 350 फुट पर। आगे आते हैं जी, आगे हमारी है यूटीपी केबल। यूटीपी केबल का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये बड़ी फेमस है आईपी सिस्टम में, आईपी कैमरा सिस्टम, आईपी सिस्टम के अंदर है या कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, आईपी सिस्टम हो गया, उसमें ये यूटीपी केबल बड़ी कॉमनली यूज होती है। और इसके जो कॉमन ब्रांड है दैट इज कैट 5 एंड कैट 6, कैट 5 एंड इसके नॉर्मल ब्रांड है कैट 5 एंड कैट 6। कैट 5 और कैट 6 कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 का मुखफ्फफ है। और ये केबल बड़ी फेमस है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, लेकिन हमारे आईपी कैमरास भी इस केबल के बगैर नहीं लग सकते। इसके साथ एक बड़ा फेमस जैक है जिसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। ये कनेक्टर लगाया जाता है RJ45 कनेक्टर, और इसके थ्रू आप मशीन्स को आपस में जोड़ सकते हैं, इसके थ्रू आप आईपी कैमरास को उनके रिकॉर्डर्स के साथ जोड़ सकते हैं। और ये केबल इसलिए अहम है, जैसा कि इसके आप अगर एब्रीवेशन से जाहिर है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें शील्ड वायर नहीं होती और पेयर इसके ट्विस्ट हुए होते हैं। और ये टोटल होते हैं जी 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर वायर कहलाती है ये। अगर 4 पेयर है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें 8 वायर्स होंगी, तो 8 वायर जो है इस RJ45 कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं और रिकॉर्डर और आईपी कैमरा को आपस में अटैच कर देती हैं। इस केबल का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो अप टू है जी 328 FT, कम से कम 328 FT तक ये बगैर किसी एम्पलीफायर के, बगैर किसी बूस्टर के आपको सिग्नल पहुंचा देती है। लेकिन इस तार की खूबसूरती ये है कि इसमें चूंकि हम लोग एम्पलीफाइंग आईपी कैमरास में ही लगा सकते हैं, बैलेंस लगाते हैं, स्विचेस लगाते हैं, पीओई स्विच आगे जाके आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला, उन स्विचेस के साथ इसकी जो रेंज है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। और ये 2000 से 5000 के एनवायरनमेंट के दौरान, 2000 फिट से 5000 फिट के एनवायरनमेंट के दरमियान आप इस सिस्टम को बखूबी लगा सकते हैं। और आईपी कैमरा में यूटीपी केबल के साथ सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस वायर में आपकी लहरें नहीं आती टीवी में, लाइंस नहीं आती स्क्रीन में, तस्वीर के अंदर जो आप कैमरे से ले रहे होते हैं, जबकि एनालॉग में ये चीज़ें मुमकिन है। एनालॉग कैमराज में सीसीटीवी 3 पेयर में बहुत मुमकिन है कि अगर तार की लेंथ ज़्यादा हो जाए या तार में कहीं जोड़ डालना पड़ जाए, ज्वाइंट करना पड़ जाए, तो बहुत मुमकिन है कि पिक्चर में लेयर जाना शुरू हो जाती हैं, लाइन जाना शुरू हो जाती हैं और उसके इमेज क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, जबकि यूटीपी केबल में ऐसा मुमकिन नहीं होता।
तो ये हमारी बड़ी फेमस केबल है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो यूटीपी की। वो जनाब इसमें पीवीसी जैकेट होती है और नंबर टू पे इसमें सॉलिड वायर होती है, सॉलिड वायर। देखिए यहाँ पे स्टेन वायर थी, ये स्टेन वायर का जिक्र है, इसमें होती है सॉलिड वायर जो कि आपस में ट्विस्ट हुई होती है। तो इसकी फॉर्मेशन इस तरह से बनती है यूटीपी की कि इसमें सॉलिड वायर होती है और उसके ऊपर पीवीसी जैकेट चढ़ी होती है जो आपस में ट्विस्ट की होती है, शील्ड वायर इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी लास्ट दो फॉर्मेशन पूरी होती हैं, हमें बड़ी बखूबी इसके बारे में पता लग गया कि सीसीटीवी की दुनिया में अगर हम आईपी सिस्टम की बात करें तो आईपी सिस्टम में इस वक्त सबसे ज़्यादा कामयाब जो केबल है दैट इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी केबल। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि कैटेगरी 6 की जो केबल है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एनवायरनमेंट जो है 2000 फुटेज से लेकर 5000 फुटेज तक बखूबी आ सकती है। एंड लास्टली हमारे पास जनाब है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है जी। फाइबर ऑप्टिक केबल काफ़ी फेमस है जी इस हवाले से। इसकी फेमस होने की सबसे बुनियादी वजह यह है कि इस पर जो डिस्टेंस है सिग्नल को लेकर जाने का, सिग्नल कैरियर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। इसकी फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, एफ होगी फाइबर ऑप्टिक की। इसमें एक आउटर जैकेट होती है जो कि ऑब्वियसली पीवीसी टाइप होती है, और प्लस ये इसमें जो कंडक्टर होता है अंदर वाला वो ग्लास कंडक्टर होता है। कौन सा होता है जी? ग्लास कंडक्टर, ठीक है, शीशे का कंडक्टर होता है। और इस हवाले से इसमें जो आपका वीडियो सिग्नल होता है उसकी तरसील के चांसेस, उसके ट्रैवल के या कैरियर के चांसेस बहुत तेज़ होते हैं, उसकी रफ्तार तेज़ होती है। और सेम कीमत जो उसको वीडियो की मौसूल होती है वो अपने एंड पॉइंट तक सेम कीमत पहुंचा देता है। तो आउटर जैकेट होती है, ग्लास कंडक्टर होता है, एंड ये मल्टी कोर केबल कहलाती है। इसमें मल्टी कोर्स होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा वायर्स होती हैं इसमें और डिफरेंट ब्रांड्स की होती है। हमारे कैमरास की दुनिया में ये नॉर्मली कम इसलिए इस्तेमाल होती है कि इसका ये एक्सपेंसिव है, इसकी लेंथ की वजह से। तो ये लाजमी, मतलब लेंथ इसकी इतनी है, आप कम से कम इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस में अप टू 1 माइल, 1 माइल तक आप इस कैमरे को, इस तार को बिछा के अपने कैमरे की ऑडियो और वीडियो ले सकते हैं। लेकिन एक माइल तक तार बिछाने के लिए जाहिर है कि सिविल वर्क्स करने पड़ते हैं, इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली फाइबर ऑप्टिक केबल को सवाए किसी सरकारी इदारों के अलावा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जगह पे वायरलेस सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले मामला यूज़ कर लिए जाते हैं और उससे तार की कॉस्ट से में काफ़ी बचत हो जाती है। तो मैंने ऐसे बताया कि आपको सीसीटीवी केबल्स के हवाले से कि ये 5 किस्म की केबल पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे पाकिस्तान में भी ये सेम उसी तरह फेमस है जैसे बाहर फेमस है। और डिजिटल इरा है, डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर के तकाजे यही हैं कि हम एक जगह से सिग्नल विद नो टाइम उसे पहुंचा सकें और उस सिग्नल की पूरी कीमत एक जगह से दूसरी जगह पर यकसा तौर पर पहुंच सके। उनके लिए ये 5 केबल जो हैं हमारी मददगार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको सीसीटीवी में इस्तेमाल होने वाली केबल के बारे में बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद लेक्चर्स में हम आपको इसकी मज़ीद डेफिनेशंस और बताएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।